गुड मॉर्निंग गाइस, डे फोर चौथे दिन की हमारी राइड शुरू होने वाली है और पैकिंग सब चल रही है। दुर्गेश भाई हमारे पीछे सोए हुए हैं, इनकी पैकिंग हो गई है लगभग। तो आज की हमारी जर्नी हरिद्वार टू यमुनोत्री है जो, और हम रुकेंगे जानकीचट्टी जो यहाँ से पड़ रहा है 220 किलोमीटर। नाइट स्टे हमने हरिद्वार में ही किया था। तो डे फोर चारधाम की यात्रा शुरू करते हैं, और अब तक जिन्होंने चैनल को ना किया वो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड घंटे को बजाएं ताकि हमारे चारधाम की अपडेट और इसी तरह के नए नए अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए फिर आज की जर्नी शुरू करते हैं जयकारा लगाते हुए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की डे फोर की जर्नी चारधाम। जय माता दी, हर हर महादेव। डे फोर शुरुआत जर्नी की एंड निकलेंगे हम ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से मसूरी और मसूरी से होते हुए जानकीचट्टी। आज का 220 किलोमीटर का सफ़र है। दुर्गेश भाई रेडी है और मुझे करना है लीड। जय माता दी गंगे, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। एक मिनट, हाँ उसको है ना कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ। चलिए सफ़र की करते हैं शुरुआत। हेलो चेक, हर हर महादेव, सब ओके है ना? लगेज वगैरह नहीं? वो दुर्गे इसको पता, दिनेश को। हरिद्वार से हमारा प्रस्थान हो चुका है। जानकी काफ़ी रश का है जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। ओई होई ओई होई ओई होई ओई होई ओई होई, ओ भाई साहब, ये आ जाओ आप, चल रही है। होय होय होय, घोड़ों पे चल रही है रेकी, सीधा 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 नहीं, सीधा सीधा। हर हर गंगे माँ गंगा से हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और आगे का रास्ता ऐसे ही। माँ गंगा हमारा जिस तरह से यहाँ अच्छे से निकल गया, आशा करेंगे कि हमारा आगे का रूट भी ऐसे ही निकले। भीड़ देखो भाई साहब, गाड़ियों को आने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब क्या बोलें भाई। पब्लिक है भाई, पब्लिक साहब। ओ अंकल, देख भी लिया करो यार। ये देखो मज़ा तो यहाँ ले रहे हैं लोग, माँ गंगा मैया का स्नान कर रहे हैं। और अच्छा है यहाँ गर्दी भी नहीं है भाई। है हा, ये मस्त रूट है जंगल वाला, मज़ा आ जाएगा भाई आज तो, सच्ची बता रहा हूँ। पूरे रास्ते में अभी सिर्फ मज़े ही मज़े, गाय 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 गाय, बछड़ा 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 बछड़ा। जन्नत के नज़ारे शुरू हो चुके हैं दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और नज़ारे। आज लगता है हमारे कार्ड है ना फुल फुल भर जाएंगे, पर नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। ये यहाँ से कन्वर्ट डबल हो रही है, ये गंगा का पानी छोड़ा हुआ है लगता है, और वो जो है नहर बनाई हुई है, ऐसा ही कुछ है। हाँ ऐसा ही कुछ नहीं है, ऐसा ही है।
ऋषिकेश वाला रूट है और यहाँ पे नहर बनी हुई है और ये कंटिन्यू रोड के पास में चलिए, सिंगल वे है, देखिए सिंगल लाइन पे गाड़ियाँ आती रहती है, बड़े ही संभाल के यहाँ पे चलना पड़ता है। बाकी दुर्गेश भाई तो लीड ही रहते हैं फुटेज के लिए। आज की मैं ज़बरदस्त ट्रेजेडी बताता हूँ आपको। हमारे दुर्गेश भाई चाय बहुत पीते थे, हमने सुबह में गंगा स्नान किया तो हमने दुर्गेश भाई का चाय का मचमच ही बंद करवा दिया। आज से हमारे दुर्गेश भाई चाय नहीं पियेंगे क्योंकि उन्होंने कसम खा ली है माँ गंगा की कि आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगा। चलो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा नेक काम करके जा रहे हैं दुर्गेश भाई। हमारे भाभी को ना सुबह से उठ के चाय नहीं बनाना पड़ेगा, मचमच खाता। देहरादून में रुके हैं हमारे दुर्गेश भाई, मोबाइल माउंट करवा रहे हैं क्योंकि होल्डर है, मोबाइल होल्डर। मैंने बोला था कि अच्छा वाला लगवा लो पर कंजूस आदमी ने कर्जा नहीं किया, अब यहाँ आके कर रहे हैं। ये देखो मौज है, ये अभिराज ऑटो एसेसरीज करके हैं देहरादून में। ये देहरादून मेन बाजार सेलाकुई, देहरादून में नहीं, हम देहरादून से भी आगे आ चुके सेलाकुई है। अभी ये काम निपटता है फिर यहाँ से हम फटाफट निकलेंगे। दुर्गेश भाई अभी अच्छा है, ठीक है, लीड करोगे? लीड भी करेंगे। ओके, बाकी मार्केट ये जो है आगे जाके स्टॉप लेंगे, कुछ खाएंगे। आज हमारा स्टॉप जो है जानकी चट्टी है, पाँच घंटे और चलना, काफ़ी अच्छा शोरूम है, ठीक है। ये भी हमारी तरह एक्सेसरीज रखते हैं, बुलेट राजा की तरह। गाइज हम इस वक्त हम रुके हैं लंच के ब्रेक के लिए, गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है हमारी, वो खड़ी दुर्गेश भाई की ये खड़ी, और यहाँ हम खाना खा लेते हैं और सोच रहे हैं आज थोड़ा गढ़वाली कुछ खाएं अच्छा सा। और भाई साहब जैसे ही अंदर एंट्री की नज़ारे आप देख सकते हो, बाय गॉड इससे अच्छे ये शुरुआत है, ये शुरुआत है भाई साहब शुरुआत। ये देखिए ये है शुरुआत का ग्रुप मिला है, वो भी चार धाम के लिए जा रहा है और ये महाराष्ट्र वाले हैं। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। खाने में तो खाली परोठे ले रहे हैं, परोठे और दही खाएंगे, फिर यहाँ पे आगे देखेंगे अगर कुछ अच्छा मिला तो वहाँ पे हम गढ़वाली खाना ट्राई करेंगे। और काफ़ी सुना है गढ़वाली खाने के बारे में तो हम गढ़वाली जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ परोठे खाते हैं, दो चार घंटे के बाद में यहाँ
से आज का स्टॉप जैसे कि मैंने आपको बताया जानकी चट्टी है, उसके बीच में अगर कहीं गढ़वाली मिला तो वहाँ गढ़वाली जरूर ट्राई करें। बट दुर्गेश भाई जी क्या खा रहे हैं? हवा खा रहे हवा पराठे। दुर्गेश भाई को बहुत तेज भूख लगी थी, पिछले 25 मिनट से ढाबा ढूंढ रहे क्या मिलता है, क्या मिला कुछ नहीं। ठीक है, क्या बना रहे दीदी? परोठे खाते दीदी के हाथ के, फिर आगे आगे का सफर कंटिन्यू जारी रहता है। हमारे परोठे, दही और ये क्या है, दाल है, अचार, थोड़ा चकना, ये हमारे मिक्सर चकना चकना, ये हमें उस ग्रुप वाले आंटी ने दिया, मस्त अच्छा अचार बनाया उन्होंने, कैरी की चटनी बनाई उन्होंने पुणे वाले आंटी ने, वो भी टेस्ट करना है। पूरन पोली उत्तराखंड में, पूरन पोली हाँ दुर्गेश भाई उत्तराखंड में पूरन पोली, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बहुत मस्त चटनी मस्त है। हमने हल्का फुल्का खाना खाया, मतलब परोठे, दो दो परोठे, दही और दाल मखनी खाई है। अब वापस पढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जय माँ गंगोत्री, जय माँ यमुनोत्री, जय बद्री विशाल, जय के बाबा केदार। आम याम गिरा रहे हैं, आम याम, आम याम। यहाँ आम के इतने सारे झाड़ हैं कि लोकल पब्लिक भी ले रही है और यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं वो भी आम का मज़ा ले रहे हैं। हाय हाय क्या रास्ते हैं, अभी बारिश नहीं है अच्छा है, और बारिश होता तो भी और मज़ा आता था, रास्ते काफ़ी मज़ेदार। ये जितने भी ये जगह दिख रहे हैं ना आप, यहाँ पे बारिश के टाइम में मस्त तगड़े वाले झरने चालू होते हैं और उन्हीं के बीच में से जाती है गाड़ियाँ। और एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने थोड़ी फोटोग्राफी करने के लिए। दुर्गेश भाई मेरे ख्याल से थोड़ा साइड में गाड़ी रख लोगे ठीक है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको कौन सा साहिबा, इधर साहिबा नहीं है, इधर कुछ और बोलो कि पहाड़ों का ओ साहिबा, तो भी साहिबा याद है इनको यार, बस क्या कुछ और गा सकते थे आप, गले की वाट लग चुकी है पर मजा आ रहा। देखो थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो हाय हाय, कल कल बहती नदियाँ, ये पहाड़ देखो कितने ऊपर ऊपर लोग रहते हैं, ये देखो छोटा सा घर है, फिर एक वो रहा, फिर एक वो रहा, खेती है। थोड़ा टाइम फोटोज लेते हैं, थोड़े मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, अगर हुआ तो जानकी चट्टी जाएंगे, नहीं तो हम आज रात बरकोट ही रुक जाएंगे, क्योंकि हमें तो मज़ा लेने आए हैं, मज़ा लेते हुए जाएंगे। हमारा चारधाम का सफ़र की पहला दिन है यमुनोत्री का, पर बहुत मज़ा आ रहा है सच्ची बता रहा हूँ।
मन हो रहा है कि यहीं बैठे हैं तो यहीं बैठे रहे थोड़े टाइम। ये हमारे दिनेश भाई, मैंने गोफरू निकाल दिया, दिनेश को दिया है क्योंकि मेरे फोटोज नहीं आ रहे थे। खाली दुर्गेश भाई है ना, अकेले मजे ले रहे थे, ठीक है अपनी अपनी। और हमारे साथ में इतना कांड हो रहा है, ये हमारे सीनियर जनाब, पता है कहीं भी रुको अपना फोटो लिया हो गया, चलो 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 जल्दी हो जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो यार, कितना रुकोगे, जल्दी चलो 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 अपना काम हुआ, चलो 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 चलो। ये आदमी देखो लैंडस्लाइड वाला, हम तो ब्लॉगिंग करने में रहते हैं, ये बंदा फटाफट फोटो लेके निकलो निकलो चलो चलो वाला। कोई नहीं, थोड़ा टाइम यहाँ रुकते हैं, इंजॉय करते हैं नेचर को और फिर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मज़ा आ रहा है, फोटोज लेते हैं दो चार फटाफट। फाइनली हम आज स्टे कर रहे हैं बलकोट में। जानकी चट्टी की था हमारा प्लान, पर शाम हो चुकी है तो हमने कैंसिल किया। जानकी चट्टी आ जाना, आज यहीं रुकते हैं। होटल हमारा है, क्या नाम है, रतोड़ी एलेक्सी पे हम रुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेन रोड पे ही आता है, जब आप जानकी चट्टी की तरफ जाएंगे वही रास्ते पे आएगा। और हम आज यहीं रुकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे। और सफ़र आज बहुत अच्छा रहा, किलोमीटर कम थे पर इंजॉय करते हुए आ रहे थे पूरे सफ़र को। ये 200 किलोमीटर आया, ये प्लान दुर्गेश भाई का है कि आज यहीं रुकते हैं। और आज कुछ ज़्यादा थकान नहीं है, पर हमारा काफ़ी काम पड़ा है जो एडिटिंग का है और काफ़ी अपलोडिंग का काम है, वो हम आराम से आज कर लेंगे और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो डे 4 चारधाम का चौथा दिन,
डे एंड हो रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, पांचवें दिन की शुरुआत करेंगे। सो अब तक जिन्होंने चैनल को ना किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे पहले। लाइक करें, शेयर कीजिए, साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार हर हर महादेव, हर गंगे, जय यमुनोत्री, तो एक बार जयकारा हो जाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सामान अनलोड हो चुका है, गाड़ियों की हम अभी साइड में पार्किंग कर लेंगे। आज का दिन काफी अच्छा था, सफर भी अच्छा था। आप वीडियो में ये देखिए, बाकी तो चीजें अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये होटल है, ठीक है, ये मेन रोड है। जैसे आप जानकी चट्टी से नीचे उतरेंगे ना और इस तरफ पड़ेंगे, सॉरी जानकी चट्टी की तरफ जाएंगे, बरकोट से नीचे उतरेंगे जैसे, तो आपको मेन रोड पे ही आपको होटल दिखेगा, काफ़ी अच्छा होटल। और जो यहाँ के प्राइस है वो भी काफ़ी रिजनेबल हैं। मोस्टली हो क्या रहा है कि अभी सीजन के हिसाब से लोग काटने में लगे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी। हमने एक जगह ट्राई की थी तो हमें गर्म पानी के लिए भी पैसे मांग रहे थे कि गर्म पानी का अलग पे करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, होटल अच्छा है। अंदर जाते हैं, रहते हैं और कल सुबह की जर्नी शुरू करते हैं, डे 4 यहीं एंड करते हैं। चलिए फिर, हर हर महादेव।